मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। क्या खास बातें हैं 2014 में आई सलमान की फिल्म किक की। क्या किक 2 की शूटिंग शुरू कर चुके हैं सलमान? किन मुख्य फिल्मों में दिखने वाली हैं जैकलीन फर्नांडिस? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में। 25 जुलाई 2014 को ईद के मौके पर रिलीज हुई थी सलमान की एक जबरदस्त एक्शन फिल्म जिसका नाम था किक। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैकलिन फर्नांडिस और रणदीप हुडा भी मुख्य किरदारों के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म में नरगिस फाकरी ने आइटम सॉन्ग से कैमियो किया था, जहां उनका आइटम सॉन्ग यार ना मिले दर्शकों को काफी पसंद आया था। वहीं फिल्म में शामिल पांचों गाने सुपरहिट हुए थे। वहीं फिल्म का गाना हैंगओवर सलमान ने खुद गाया था और अपना सिंगिंग का टैलेंट दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया था। फिल्म का निर्देशन किया था साजिद नाडियाडवाला ने और ये फिल्म 2009 में आई तेलुगु फिल्म किक की रीमेक थी। वहीं फिल्म सलमान की बनाई हुई रीमेक फिल्मों में ये शामिल हुई और एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई। आपको बता दें कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दिल्ली में की गई थी और जैकलीन फर्नांडिस ने इस फिल्म से पहली बार दिल्ली में शूट किया था। आपको बता दें कि जैकलीन ने फिल्म अलादीन से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और बॉलीवुड में कदम रखा था। पॉपुलर वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा के ओनर तरुण आदर्श ने इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए थे और शुरुआत में ही इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि फिल्म को 140 करोड़ के बजट में बनाया गया था। वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस करके 232 करोड़ की कमाई की थी और उस साल 11 फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म ने जीते थे। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में आजकल सुपरहिट फिल्मों के सीक्वल बनाने का जो ट्रेंड चल रहा है, अब इसमें सलमान की फिल्म किक भी शामिल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, किक का सीक्वल यानी कि किक 2 जल्द ही बनने वाली है। हालांकि इस फिल्म को किक 2 की स्क्रिप्ट को भी पूरा कर लिया गया है और जब सलमान खान को इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई तो सलमान काफ़ी इम्प्रेस हुए और झट से फिल्म के लिए हाँ भी कर दी। हालांकि अभी वो बाकी फिल्मों की शूटिंग में काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं, जिसके चलते वो फिलहाल तो नहीं लेकिन बाकी फिल्मों की शूटिंग खत्म करने के बाद जल्द ही अपनी अगली फिल्म किक 2 की शूटिंग की शुरुआत करेंगे। वहीं बात करें फिल्म की एक्ट्रेस की तो जैकलीन फर्नांडिस को इस फिल्म में कास्ट करने की खबर को कर दिया गया है पक्का। जहां फिल्म की प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ने फिल्म को लेकर किया एक ट्वीट और जैकलीन को टैग करके उन्हें बर्थडे के दिन उन्हें दी गई किक 2 के आने की खुशखबरी। साथ ही सलमान खान ने भी दी अभिनेत्री को बधाई। वहीं जहां हाल ही में लेकर आने वाले हैं सलमान अपनी अगली फिल्म राधे और कभी ईद कभी दिवाली, जिसके बाद शुरू करेंगे किक 2 की शूटिंग और 2021 के एंड तक फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि और भी कई फिल्मों में करने वाले हैं काम, जैसे अंतिम और शेर खान। वहीं बात करें जैकलीन फर्नांडिस के वर्क फ्रंट की तो अगले साल के लिए जैकलीन के पास बहुत सी फिल्में हैं। हाल ही में उन्होंने कंप्लीट की है सैफ अली खान, अर्जुन कपूर और यामी गौतम के साथ भूत पुलिस की शूटिंग। फिलहाल कर रही हैं रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में काम और फिर शुरू करेंगी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और सलमान की फिल्म किक 2 की शूटिंग। तो दोस्तों ये देखकर तो लगता है कि फिलहाल दोनों ही लीड एक्टर्स काफी व्यस्त चल रहे हैं और इसलिए इनके चलते किक 2 को आने में कुछ समय भी लग सकता है। अब ये जानने के लिए कि इस बार किक 2 किस समय आएगी और किस धमाकेदार कहानी के साथ आती है, दोस्तों आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके फिल्म को लेकर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।